हेलो दोस्तों, मोहम्मद ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बाजू कंडी करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा कि अगर ये तरीका आप सीख जाते हैं तो किसी भी तरीके की बाजू को आप कटिंग कर लेंगे। तो ये सीखने और समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बाजू कटिंग करने के लिए मैंने पेपर को जो है डबल में फोल्ड कर दिया है। ठीक है, डबल में फोल्ड करने के बाद यहाँ पर क्रीज बना दिए। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कटिंग करेंगे। आपको जैसे मालूम होगा, ज़्यादातर एक वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे ये बाइसेप नाप लेने के बाद बाजू कटिंग बताई थी, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको ये नहीं बताया था कि अगर आप 3 इंच की बाजू कटिंग करते हैं तो कैसे कटिंग करेंगे। तो इसमें आपको बाजू कटिंग की फुल डिटेल मिलेगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले आप मान लीजिए अपना बाइसेप नापते हैं, जैसे ये बाइसेप होता है, ये वाला हिस्सा नापते हैं। तो चाहे आपका सूट का साइज कोई भी हो, ठीक है, लेकिन बाइसेप्स के हिसाब से हम हमेशा बाजू कटिंग करते हैं। तो मान लीजिए आपने बाजू को यहाँ पे नापा अपनी, आपने बाजू नापी 14 इंच। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हम 14 में प्लस करेंगे 3 इंच, जो कि हो जाएगा नाप आपका 17। और 17 को दो जगह करेंगे तो नाप होता है यहाँ पे 8.5। अब कटिंग कैसे होगी तो ध्यान से देखिए और समझिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक निशान लगाते हैं, और हमेशा जो कटिंग करते हैं हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। और यहाँ पे जो लेंथ होगी दोस्तों, 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब बाजू का जो नाप है, बाजू का नाप भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम जो बाजू कटिंग करके दिखाएंगे आपको, वो 6 इंच की लंबाई होगी आपकी, और 6 इंच के बाद 13 इंच की गोलाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, तो पहला निशान 3.5 पे आएगा, दूसरा निशान हमारा 6.5 पे आएगा, क्योंकि 0.5 इंच का मार्जिन जाएगा बाजू चढ़ाने में। तो ये निशान हो गया। अब इस निशान को, दोनों को हम सीधा करेंगे अपने फुट्टे की मदद से। तो जैसे कि ये निशान हमारा सीधा हो गया। अब जितना आपको तुरपाई के लिए मार्जिन देना है आपको उतना सीधा निशान लगा लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, आप देख सकते हैं। और इस निशान को भी हम, जो 3.5 वाला है, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा निशान दोस्तों लग चुका। अब लगने के बाद यहाँ पे जो मैंने आपको मुट्ठा बताया कि 14 + 3 = 17 और उसका हाफ 8.5, तो ये आपको इस तरीके से 3.5 इंच पर नाप लेना है, और यहाँ पे हमें 8.5 इंच का निशान लगा लेना है। सिंपल। अब यहाँ पे बाजू की मोरी है 13, 6 इंच की लंबाई, 13 इंच की गोलाई। तो यहाँ से जो हमने 6.5 पे निशान लगाया है, यहाँ पे हमें 13 का हाफ 6.5 इंच रख देना है, और इस निशान को हम अपने इस निशान से मिला लेंगे। ठीक है, और सेम मार्जिन दे, जितना मार्जिन आप रखना चाहते हो ये अपनी अपनी चॉइस होती है, उतना मार्जिन देके दोस्तों आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए। और इस निशान को हम थोड़ा यहाँ पे सीधा कर लेते हैं, तुरपाई फोल्ड करने में आसानी रहती है। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा निशान हो चुका। अब इसकी कटिंग करके आपको मैं दिखाता हूँ, तो कटिंग किस तरीके से होगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कटिंग करेंगे ऐसे। और यही मेजरमेंट जो है आपको मैं अभी दोबारा बताऊंगा कि इस मेजरमेंट से छोटी बाजू कैसे कटिंग होगी। तो इसको हम अभी यहाँ पे रखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कटिंग हो चुकी। अब इसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे, और यहाँ पर हम इसे सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये फोल्ड होने में आसानी रहती है। और इसको हम अपने मार्कर पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो आपका कटिंग हुई है बाजू, तो एक आपका कट यहाँ पर आएगा, ठीक है, दूसरा तुरपाई के फोल्ड के लिए यहाँ पे कट आएगा, और तीसरा आप यहाँ पे कट दे देंगे। तो ये बाजू हमारी कटिंग होगी, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से कट से थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको कटिंग करना है, और तकरीबन 1-1 इंच के आसपास छाट के कट पे मिला देना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं, ये हमारी बाजू यहाँ पे कटिंग हो जाती है। मैंने सिर्फ आपको सिंपल एक बाजू कटिंग करके दिखाई है और डबल में फोल्ड करा है। आपको अगर दोनों बाजू कटिंग करनी है तो आप 4 तरह में बाजू को बिछाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पेपर पे बताया है। तो ये तो आपने कटिंग कर ली, वो बहुत सिंपल तरीके से कर ली। कितने में? आपने 6 इंच की बाजू में करा है। लेकिन अगर आपकी बाजू की लंबाई ही 3 इंच हो तो आप उसको कैसे कटिंग करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों, सेम पेपर हम ऐसे ही फोल्ड करके रखेंगे, फिर आपको कटिंग करने का तरीका बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कर दिया पेपर को, ठीक है, जैसे हम बाजू कटिंग करते हैं। और इसको मैं यहाँ पे फुट्टे को रख देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, नाप हमारा वही होगा मुड्ढे का, 14 + 3 = 17 और 8.5। अब यहाँ पे हमें 3 इंच की बाजू कटिंग करनी है। अब 3 इंच की बाजू में जो बाजू का यहाँ पे नाप होता है, तो ये नाप का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि नाप कैसे रखेंगे। और एक बाजू में नाप नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ अंदाजे से आपको काम करना है। तो मान लीजिए अगर आपने 3 इंच की बाजू में जो नाप लिया है, वो नाप आपका यहाँ पर आता है 15 इंच। तो देखिए किस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर आपको इंची टेप रख के एक निशान लगाना है, और वैसे ही सेम बाजू की लंबाई 3 है तो 3.5 पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपको ये दोनों
ये निशान को सीधा करके तुरपाई का फोल्ड का भी निशान लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये निशान लगा लेना है। देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब आपने बड़ी बाजू के अंदर तो जो है मार्जिन यहाँ पर 3.5 पे निशान लगाया था, लेकिन 3 इंच की बाजू में आपको मुड्ढा कहाँ पे रखेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है लोगों की। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको 3 है तो 3 इंच पर ही निशान लगाना है, ज़्यादातर 3 इंच की बाजू में मैं 2 इंच पर निशान लगाता हूँ। और 2 इंच पर निशान लगा के आप इसको इस तरीके से सीधा कर लीजिए। अब सीधा करने के बाद ये जो मैं निशान लगाने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था 14+3=17 और उसका हाफ 8.5, तो हम यहाँ पे 8.5 का जो निशान लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों 8.5 का निशान छोटा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि यहाँ की जो गोलाई होगी, यहाँ की गोलाई दोस्तों कम हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग जो हमने पहले वाला कटिंग करा है, क्योंकि पहले वाली कटिंग जो है ऊपर तक जा रही है। आप देख सकते हैं पहले वाली कटिंग हमारी यहाँ से राउंड होते ऊपर तक जा रही है, लेकिन यहाँ की जो गोलाई होगी हमारी कम होगी। तो अक्सर हम क्या करते हैं, कटिंग करने के लिए तो हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन बनाते हुए आपको नापना पड़ता है। तो कैसे नापेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कटिंग देख लीजिए, आपको यहाँ से सिंपल 3 इंच के बाजू में 2 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से 7.5 इंच का इस तरीके से मिला के निशान लगाना है, ठीक है। ये हो गया आपके बाजू का नाप, और इन दोनों को इस तरीके से दोस्तों मिला देना है। तो ये तो मैंने नाप अपने अंदाजे से रखा है। अक्सर नाप क्या होता है, 3 इंच की बाजू में दोस्तों यहाँ पे नाप आता है उनका, और उसको जब आप इस तरीके से मिलाते हैं ना तिरछा, तो ये नाप हो जाता है गलत। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, 3 इंच की बाजू में कभी भी नाप ना लें, और 3 इंच की बाजू में आपकी ये वाला हिस्सा ना ऐसे उठा उठाएगा। किसी भी कस्टमर का बनाओ तो पहले बोल दो ये हिस्सा उठाएगा। वो क्यों आएगा बताता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना होता है, जो भी आपका मुड्ढा आता है जहाँ भी, ठीक है, आपको सिर्फ एक अंदाजे से, जैसे मैं यहाँ पे निशान लगाता हूँ और यहाँ से इसको ऐसे मिला के निशान लगा देता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा तिरछे में जो प्रॉब्लम आएगी हमको बाजू चढ़ाने में, वो इस तरीके से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम अंदाजे से एक निशान लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये वाला हिस्सा लूज़ हो जाता है और ये वाला हिस्सा आपका उठा उठा आता है। तो ये तरीका होता है 3 इंच के बाजू में। आप कटिंग करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसमें इस तरीके से शेप आएगी, जैसे मैंने आपको बताया था, और इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही मार्जिन करके कटिंग करें, क्योंकि छोटा पड़ सकता है कभी भी ये आपके, ठीक है। और इसको हम फिर निशान पर कटिंग कर लेते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम इसको ये वाला जो हिस्सा हमारा सेंटर हम कट कर देंगे, इधर वाले हिस्से पे कट लगा लेते हैं, और जो हमारा ये मार्क वाला निशान है तुरपाई का यहाँ तक आएगा, हम यहाँ पर भी इसे फोल्ड का कट लगा लेते हैं। अब ये पूरा निशान हो चुका, इसको हम ऐसे ओपन करने के बाद फ्रंट को भी इसे कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट भी इसका थोड़ा जो है हिसाब से कटिंग होगा, ज़्यादा 1 इंच के आसपास नहीं होगा, आप इसे नॉर्मल 0.25 इंच का कटिंग कर लें 3 इंच के बाजू में। अब देखिए दोस्तों, ये आपका इस तरीके से हमारा ये निशान आएगा। अब जो पहले बाजू कटिंग करी थी, आप उससे कंपेयर करेंगे जब इसको, तो ये देखिए दोस्तों आपका नीचे करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से बराबर दिखेगा, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो ये जो गोलाई है कहीं ना कहीं आपकी इसके मुकाबले छोटी पड़ेगी। तो अब ये बाजू बनेगी कैसे, तो बाजू आपकी तब बनेगी जब आप इसको तुरपाई का फोल्ड कर लेंगे, और जब बाजू को जोड़ेंगे तो कमीज़ का जो मुड्ढा होता है उसको आपको नापेंगे, तो ज़्यादातर मुड्ढा आपका इस जगह पर आएगा, इस साइज़ के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया, इससे आपका एक्स्ट्रा में इतना आएगा, तो आपको यहीं पर ही जोड़ना है। अगर आप सोचेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे तो दोस्तों आपकी बाजू नहीं बन पाएगी, झोल पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो आप कभी भी छोटी बाजू बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपके परफेक्ट बनेगी। और इसमें बाजू का नाप ना लें, अब जैसे यहाँ पे कट आ गया हमारा, अब आपने देख लिया कि यहाँ से हम इतना मिला लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे मूड़ी जोड़ दीजिए, ठीक है। ज़्यादातर कई लोग सीधा भी जोड़ देते हैं, लेकिन आप इसको इस तरीके से जोड़ लीजिए। और अगर आपने ज़्यादा नाप को इस तरीके से रखा तिरछे में, तो ये दोस्तों अल्ट्रेशन मारेगी हर हालत में, आपकी ये बगल वाली साइड में इस तरीके से फुग्गा निकल जाएगा, बड़ा अजीब फिटिंग हो जाएगी। तो ये तो आपको मैंने बताया दूसरी तरीके से। अब मैं आपको एक, मतलब ये आपको पहला तरीका बता दिया 3 इंच की बाजू का, ठीक है, बड़ी बाजू निकालने के बाद। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि 3 इंच की बाजू एक तरीका और है जिस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो वो कैसे हैं, उसके अंदर अपनी बाजू का मेजरमेंट भी आप रख सकते हैं। तो चलिए वो तरीका भी आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पेपर है, हम पेपर को इस तरीके से डबल करके आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, 14+3=17 8.5 मुड्ढा, ठीक है, वही सीन है, लेकिन इसमें 3 इंच की बाजू की लंबाई है और 14 इंच की गोलाई है। तो इसमें आप किस तरीके से बाजू कटिंग करेंगे जिसमें आपका सारा मेजरमेंट बिल्कुल ओके आए। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपको उस तरीके से बाजू में दिक्कत आ रही है तो एक तरीका ये है जो मैं इस तरीके से बनाता हूँ, कोई भी कंप्लेंट नहीं आती। तो उसे कैसे फॉलो करेंगे आप देखिए ध्यान से,
मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल है इसको भी बनाना। तो एक निशान लगा लें आप, और उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो बाजू की लंबाई है 3, तो यहाँ पे हम 3.5 पे निशान लगा लेंगे। अब सीधा निशान लगाने के बाद आपको इसको इस तरीके से दोस्तों निशान लगा लेना पूरा। और यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब जो यहाँ पे जो निशान आपको लगाना है वो निशान दोस्तों लगा लीजिए 3 इंच पे, आधा इंच नीचे करके। और यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है, 3.5 इंच पे निशान लगाया, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आपको इतनी जगह से 3 इंच के आसपास से आपको इस तरीके से गोलाई करनी है, और इस तरीके से आपको ऊपर लेते हुए जाना है या ऐसा, ठीक है, सिंपल आपको ऐसे लेके जाना है। इससे क्या होगा मैं आपको अभी बताऊंगा आगे वीडियो के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पे 3.5 पे निशान लगा के इस तरीके से हम निशान ऊपर ले गए, तो जो 3 इंच पे जो निशान आ रहा है, तो 3 इंच पे हम अपने मुड्ढा रखेंगे 8.5 इंच। ये हमने 8.5 इंच का मुड्ढा रख दिया। अब यहाँ पे हमारे बाजू का नाप है 14, तो 14 का आधा 7, ये हमारा 7 इंच आ गया। तो हम यहाँ 7 इंच का निशान इस तरीके से लेके जाएंगे, ये हमारा निशान हो गया। और इसको दोस्तों हम यहाँ पर मिला देंगे। अब यहाँ पर भी अगर आपको लगता है ज़्यादा तिरछा हो रहा है तो आप हल्का सा लूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने तो अपने आप माप बनाया, लेकिन मेजरमेंट लेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब दोस्तों कटिंग के लिए आती है बात, तो कटिंग किस तरीके से होगी, तो ये मैं पहले अच्छी तरीके से इसको गोलाई को बिल्कुल एकदम मार्क कर लेता हूँ सही से। ये देखिए हमने पूरा अच्छी तरीके से मार्क कर दिया। अब मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ इस बाजू की, तो इसकी शेप भी आप देख लेना। यहाँ पर हम इसे कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद इसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे, ठीक है। अब ये कटिंग होने के बाद ये वाली जो जगह होगी यहाँ पे हम आधा इंच से एक्स्ट्रा लेके बिल्कुल उसी गोलाई में कटिंग करेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा तुरबाई का आपको कटिंग नहीं करना, इसमें आपको अलग से पट्टी कटिंग करके बनानी पड़ती है बाजू। तो ये देखिए बाजू हमारी कटिंग हो चुकी, इस तरीके की एक हमारी छोटी बाजू दिखती है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक कट ये लगा लेंगे, दूसरा कट हमारा साइज का हो गया। और उसके बाद हम अपना फ्रंट इसे ओपन करके फ्रंट को कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये बाजू मैंने आपको अभी कटिंग करके दिखाई, उससे पहले ये वाली छोटी बाजू, और उससे पहले हमने आपको ये बड़ी वाली बाजू कटिंग करके दिखाई। तो ये बाजू तो आपको मालूम है कैसे बनाई जाती है, ठीक है। और ये वाली बाजू और ये वाली बाजू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कपड़े पर बना के दिखाऊँगा कि किस तरीके की दोनों की शेप आती है। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।